दिल्ली विधानसभा सत्र का पहला दिन है। लंच के बाद एक बार कार्यवाही शुरू तो हुई, लेकिन हंगामेदार नतीजे हुआ कि दिल्ली के जो भाजपा के सारे विधायक हैं वो सदन से बाहर आ गए। विजेंद्र गुप्ता मेरे साथ है। विजेंद्र जी, क्यों आपको बाहर आना पड़ा? क्योंकि हम चाहते थे मुख्यमंत्री इन मौतों का हिसाब दे, जवाब दे, और ये मौतें जो हुई हैं, जिस कारण से हुई है, वो लापरवाही क्यों हुई, और आगे इस तरह से लोगों की मौतें ना हो। गरीबी के कारण गरीब लोगों की मौत हुई है, सर्दी के कारण मौत हुई है, और अन्य जिस भी कारण से मौत हुई है, क्योंकि रैन बसेरों की कमी है, प्रॉपर शेल्टर्स नहीं है, उन शेल्टर्स में प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, इसलिए गरीब मर रहा है और सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। जो आपके हाथ में डाटा आप दिखा रहे हैं, नाम फोटो सब कुछ है, एक तो ये सब पुलिस रिपोर्ट है। अच्छा, ये पुलिस के रिकॉर्ड पर है, FIR दर्ज है, बाकायदा इनका पोस्टमार्टम हुआ है। हाँ। और ये पूरा ऑथेंटिक 203 लोगों का डाटा हमारे पास। सभी लोग बेघर लोग थे, बेघर लोग थे, क्योंकि सड़क पर मृत पाए गए हैं, सड़क पर मरे हैं तड़प तड़प के, और सरकार ने इनकी कोई सुध नहीं ली है। जी, जो लगातार स्पीकर ये कह रहे थे कि प्रायर नोटिस नहीं दिया गया, सही समय पे नहीं बताया गया, तो उसे सूचीबद्ध नहीं था, इस प्लेस से चर्चा नहीं हो पा रही है। मौत का मामला है, नोटिस से नहीं होता है, मौत तो कभी भी आ जाती है। आज रात को इस तरह के और नए लोगों की मौत ना हो, और मौत हुई है तो उसके आगे तो फिर सदन की सारी कार्रवाई रोककर उस पर बात करनी चाहिए। काम रोको प्रस्ताव का सम्मान होना चाहिए, मुख्यमंत्री को सदन में आना चाहिए, आश्वस्त करना चाहिए, तुरंत इस मामले पर कोई संज्ञान लेना चाहिए, कोई समय सीमा रखनी चाहिए, लोगों का हालचाल जानने के लिए सरकार में से कोई सड़कों पर जा नहीं रहा है, अभी तो सर्दी शुरू हुई है। तो ये बताइए कि आप सबको मार्शल आउट कर दिया गया है? हमें मार्शल आउट कर दिया, हम सिर्फ सरकार से आश्वासन चाहते थे, सरकार से जवाब चाहते थे, सरकार से इन मौतों का हिसाब चाहते थे। सोमवार को भी आप इसी मुद्दे को दोबारा उठाएंगे? निश्चित रूप से, ये मामला गंभीर मामला है और इस पर सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती, सरकार उसका जवाब देना होगा। और इसी मांग के साथ में आप देखें तो जो विधायक हैं वो यहाँ पर सदन से बाहर आए, मार्शल आउट किया गया है। ये बताइए कि इसमें क्या है, साफ हो चुका है कि इन लोगों की मौत का कारण सर्दी है, क्या है? ना, निश्चित रूप से पुलिस की रिपोर्ट है, रिपोर्ट के आधार पर ये तय हुआ है। और जब उन थानों का नाम दिखाया है कि कौन से थाने के अंतर्गत ये इनकी डेथ हुई है, सारा का सारा रुका गया। जहाँ तक स्पीकर का है सवाल है, स्पीकर साहब ने कहा जी नियमों के आधार पर ये कर नहीं सकते। यदि दिल्ली के अंदर कोई ऐसी दर्दनाक घटना घट जाए तो क्या उसमें काम रोको प्रस्ताव नहीं आता है? उसमें चर्चा होनी चाहिए, कौन दोषी हैं, किस वजह से वो मरे हैं। माने सेल्टर होम का तुम बहुत बड़ा लोगों के बारे में इस प्रकार से लोगों को भरका रहे हो, कभी कंबल दिखाते हो, कभी रजाइयां दिखाते हो, इस सर्दी की वजह से उन 203 लोगों की जीवन लीला समाप्त हुई है। हमने सरकार से कहा कि उसमें चर्चा होनी चाहिए, सरकार के बाद मिशनरी है। जब टेलीफोन नंबर दे रखे उनके, थानों के नंबर उसमें है, DD एंट्री है, फिर चर्चा क्यों नहीं, ये हमारा कहना है। सर, चर्चा तो हो नहीं पाई, अब अगला कदम क्या रहेगा आपका? निश्चित रूप से जनहित से जुड़े जो मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, और दिल्ली में जो 203 लोगों की जो मौत हुई, दिल्ली की सरकार करोड़ों रुपया रैन बसेरों पर खर्च करती है, उसके बाद भी अभी सर्दी पूरी तरीके से आई नहीं। पिछले दो में हर थाने से जो रिपोर्टिंग है, 203 लोगों बेघरबार लोगों की मौत हुई है, बड़ी दुखद स्थिति है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का जो दल है, हम लोग ये चाहते थे इसके ऊपर सदन में चर्चा हो, लेकिन चर्चा ना कराकर उन लोगों ने सबको मार्शल आउट किया, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ये बताइए कि शेल्टर होम की बड़ी समस्या होती है सर्दियों में, क्या उनको भी आप विजिट करेंगे और जगह भी देखेंगे जाके? नहीं, निश्चित रूप से हम करेंगे, और इसमें भ्रष्टाचार बहुत चरम सीमा पर है, और जितना रुपया खर्च होता है वो बेघरबार लोगों की जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहा है, इसमें भ्रष्टाचार है, लापरवाही है। हम इसी वजह से सदन में इसकी चर्चा करना चाहते थे, जिसके लिए हमारे स्पीकर साहब सहमत नहीं हुए और हम सबको उन्होंने मार्शल आउट कर दिया, जो कि बहुत अनडेमोक्रेटिक कार्य है। घोटाला कह रहे हैं आप, ये कैसे? निश्चित रूप से करोड़ों करोड़ रुपया जब आप खर्च कर रहे हैं, और दिल्ली के अंदर जो होमलेस लोग हैं, बेघरबार लोग हैं, यदि उनको सुविधा नहीं मिल रही है तो फिर इतना रुपया जो आप खर्च कर रहे हैं उसका औचित्य क्या है? उसका ऑडिट होना चाहिए, और जो आदमी जरूरतमंद है उनको मदद भी मिलनी ही चाहिए। बिल्कुल जी, हैं आपके साथ में, ये बताइए कि आप चाह रहे हैं उनका जो शेल्टर होम्स है उनका ऑडिट हो क्या? भाई, खाली ऑडिट की बात नहीं है, सर्दी लगने से दिल्ली की सड़कों पर 203 लोग जो बेचारे होमलेस हैं उनकी मृत्यु हो जाए, सैकड़ों करोड़ रुपया ये रैन बसेरों के नाम डकार गए हैं। रैन बसेरों में जो लोग बेचारे सड़कों पर सोते हैं,
उनको सर्दी से बचाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इतनी बड़ी घटना दिल्ली के अंदर हो जाए, पूरी जानकारी हमने फोटोग्राफ्स के साथ, उनके नाम दिल्ली पुलिस में बाकायदा FIR हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी स्पीकर जो हैं इस पर चर्चा कराने के लिए तैयार नहीं थे। समय से आपने उनको सूचित नहीं किया भाई, हमने 11 नोटिस 3 दिन पहले दिए हैं, और अब 3 दिन पहले नोटिस दिए गए हैं और चर्चा नहीं करा रहे हैं। आप पूछिए ना उनके सेक्रेटरिएट से, और हमारे पास रिकॉर्ड है, बाकायदा रिसीव्ड कॉपी है। तो हमने समय रहते हुए पूरी जानकारी दिल्ली विधानसभा के सेक्रेटरिएट को दी है कि भाजपा के विधायक इन इन विषयों पर चर्चा चाहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा तो ये है कि 203 गरीब लोग, होमलेस लोग दिल्ली की सड़कों पर मृत पाए जाए, FIR हुई है बाकायदा, और अरविंद केजरीवाल की सरकार जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। अरे जवाब दो ना, कैसे उनकी मृत्यु हुई है, कितने अंतराल में हुई है, 200 दिन जो मौत भाई, ये तो सारा भी कैलकुलेट करके बता पाएंगे ना, इसी वर्ष का है पूरा या? हाँ इसी, तो ये सारी जानकारी देंगे ना। हाँ कुछ सेल्टर होम्स में आप जाके विजिट भी करेंगे? नहीं, जरूर करेंगे। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सदेवा जी के साथ भाजपा के विधायकों के डेलीगेशन जाएगा और सभी सेल्टर होम्स में जाकर विजिट करेगा और वहाँ की व्यवस्था की जानकारी लेगा। सोमवार को क्या रुख रहने वाला है आपका जी? सोमवार को जब दूसरा, सोमवार को हम ये उठाएंगे ना, इसी मुद्दे को ये उठाएंगे ना, इसको सदन बनाने की फिर से मांग करेंगे। बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे, 203 लोगों की, गरीब लोगों की, होमलेस लोगों की मृत्यु हो जाए, ये कोई छोटा मोटा मामला है? आजादी से लेकर आज तक इतनी बड़ी संख्या में होमलेस लोगों की मृत्यु नहीं हुई है। तो अरविंद केजरीवाल जिम्मेवारी ले, अरविंद केजरीवाल अपने पद से त्याग पत्र दे। बिल्कुल, देखिए ऐसी इस तरह की लिस्ट जो है वो बीजेपी विधायकों के हाथ में है, साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि दिल्ली की सड़कों पर जो होमलेस लोग हैं, जिनके घर नहीं है, उनकी सर्दी से मौत हुई है, इस मामले पर चर्चा हो और इसके लिए जिम्मेदार जो है उस पर कार्रवाई की जाए, इसको लेकर चर्चा चाहते थे। लेकिन स्पीकर की तरफ से कहा गया कि समय पर सूचित नहीं किया गया था कि इस विषय पर चर्चा चाहिए, इसलिए जो विषय पहले सूचीबद्ध है उन्हीं पर चर्चा की जाएगी। इसका हंगामा हुआ और नतीजा ये हुआ कि बीजेपी के तमाम विधायक हैं 8 के 8, उनको सदन से मार्शल आउट कर दिया गया। लेकिन बीजेपी विधायकों का ये भी कहना है कि सोमवार को एक बार फिर से जब सदन में पहुँचेंगे तो इसी मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे और इस बात की मांग करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री इस विषय पर आकर जवाब दे। प्रीडियो सहयोगी कपिल बेदी के साथ जितेंद्र भाटी टीम ने